हाय गाइज, मैं आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये मेरा ब्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के साथ जो है शॉपिंग करने के लिए। बहुत दिनों के बाद जो है जा रहे हैं, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। और जो भी हमारी मम्मी जी खरीदारी करेंगी, हम आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। हो सकता है कि जो भी हमारी मम्मी जी लिए हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आप लोगों को भी अच्छा लगे। जैसे कपड़ा ही लेने वाली हैं मम्मी हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, मेरे लिए साड़ी और बच्चों के लिए कपड़ा लेने वाली हैं। तो अगर आप लोगों को उसमें से कोई भी कलर अच्छा लगे तो आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही अच्छा होने वाला है। और हमारी मम्मी जी बड़े ही प्यार से चल रही हैं ख़रीदारी करने। तो मम्मी बोली कि ऐसा करो कि तुम घर पे रह जाओ और हम जो है जा रहे हैं लेके आ जाएंगे। तो मैंने बोला मम्मी नहीं, क्या करेंगे अकेले रह के, हम भी चलते हैं साथ में। तो मम्मी बोली धूप बहुत तेज़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेज़ है तो क्या हुआ, इसी बहाने जो है आपके साथ थोड़ा सा टहल भी लेंगे। तो इसलिए हम भी तैयार हो गए हैं और हमारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं। बस हमें जो है बाल बनाना है और हमारे बच्चे जो है रेडी हैं। और जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, कहीं गया था, अभी जो है आया हुआ है, वो भी तैयार हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि फाइनली गाइज हम जो है जा रहे हैं शॉपिंग करने। और हमें ससुराल भी जाना है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे, थोड़े ही दिन के लिए आए थे। तो अब जाने का समय जो है नज़दीक आ गया है। तो मम्मी बोली चलो शॉपिंग कर लेते हैं, नहीं तो क्या पता कब जो है आप चले जाओ। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो है जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं मैं अपने घर के बाहर हूँ और पीछे का व्यू कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वैसे बारिश का सीज़न है दोस्तों, तो चारों तरफ आपको हरा भरा ही नज़र आने वाला है। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं ये मेरा सामने का घर है और मैं इसके सामने आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये देखो, और हमारा जो बगीचा है ना उतनी दूर है, उतनी दूर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। तो मौका मिलेगा तो हम जाएंगे दोस्तों, आप लोगों को भी लेके चलेंगे अपने बगीचे में। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद, ठीक है, बाय। दोस्तों आज जो है मैं आप लोग के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट के विषय में चर्चा करने वाली हूँ जो कि आपके फायदे के लिए, ये जैसे आप लोग जो है वैक्सिंग हेयर करवाते हैं, रिमूवर क्रीम लगाते हैं, शान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी मैंने कराया था या फिर से मुझे दोबारा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिसे को लगाने के बाद जो है बाल नहीं आने वाले, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि आखिर हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, न्यूड का नेचुरल हेयर इनहिबिटर क्रीम के बारे में ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। इसकी पैकेजिंग ओ माय गॉड मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इनकी जितनी भी पैकेजिंग होती है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जो ये पैकेजिंग है ना हमारे काम में भी आ जाती है। तो ये देख सकते हैं इनका जो ये बॉक्स है कुछ इस तरह से है, आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको जो है इसमें पेन रखना है तो आप जो है इसमें पेन रख सकते हैं, ऐसे अपने टेबल पर रख दीजिए और इसमें जो है पेन वगैरह रख सकते हैं, या फिर आप फूल भी रख सकते हैं गुलदस्ता के रूप में। तो काफ़ी काम की चीज़ है, ये देख सकते हैं दोनों। तो मुझे इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों इसके अंदर की हम चलो क्रीम दिखाते हैं। मैंने ट्राई किया था, इसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग यही बोलोगे कि भाभी आपने ट्राई नहीं किया और हम लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हमने इसे ट्राई किया था। क्रीम दिखा देते हैं दोस्तों, और कुछ इस तरह से है, खुशबू भी बहुत अच्छी है और इसमें कोई केमिकल नहीं पाया जाता है। ये देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से जो है लगाना है, ठीक है, ये देखो। तो देख रहे हैं ना, तो चलिए रिव्यू देख लो।
चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसे हमें कब लगाना है। न्यूड नेचुरल हेयर इनहिबिटर को वैक्सीन करवाने के बाद हमारे जो हेयर हैं वो बिल्कुल ग्रोथ से निकलते हैं। डेन स्किन के ओपन पोर्स हो जो होते हैं वो ओपन हो जाता है। तो इसके बाद अप्लाई करो दो टाइम। इसको अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हेयर रिमूव होना स्टार्ट कर देते हैं और 3-4 मंथ तक यूज करने के बाद इसका रिजल्ट दिखता है और हेयर की ग्रोथ को भी ख़त्म करता है। इसे हम किसी भी सेंसिटिव एरिया अंडर आर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम फेस पे यूज कर सकते हैं, हैंड पर यूज कर सकते हैं। तो ये मेनली फेस और हैंड के लिए ही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को लेना है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। अब आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग जो है शॉपिंग करके घर वापस आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए क्या क्या लिया है। तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फाइनली हमारी मम्मी जी ने हमारे लिए और बच्चों के लिए इतने सारे ड्रेस लिए हुए हैं। तो चलिए बारी बारी से आप सभी को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जाह्नवी के ड्रेस से। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मम्मी ने लिया है जाह्नवी के लिए। ये देखो कलर इसका कैसा है, प्लीज आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में। एक ये हो गया और एक ये है जाह्नवी का, ये देखो ऊपर का है टी शर्ट, कुछ इस तरह से इसकी डिजाइन है और नीचे का ये पैंट है, हाफ पैंट। तो दोस्तों, वैसे मेरा ख्याल है, मेरा मन कर रहा है कि जाह्नवी को हम यही ड्रेस पहना के ले जाएं, क्योंकि ब्लैक है ना उसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सोच रहे हैं इसको ही पहना के ले जाएं। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा ये अच्छा है कि नहीं। एक ये हो गया और अब बारी आ जाती है अभय की। तो दोस्तों, हमने अभय के लिए लिया है, ये टी शर्ट है और नीचे हाफ लोअर। ये देखो कलर कैसा है बताइएगा, हल्का कलर है लेकिन हाँ अभी के ऊपर अच्छा लगेगा। मैं अपने मुंह से ही तारीफ कर रही हूँ। तो ये देखो, ये टी शर्ट है, लोअर है, क्योंकि गर्मी का सीजन है ना तो हल्का कपड़ा ठीक रहेगा बच्चों के लिए और आराम भी रहता है, कॉटन का कपड़ा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कॉटन का ही लिया है, मैंने मिक्स कपड़े लिए हैं। और ये हमारी साड़ी है जो हमारी मम्मी ने दिया है बड़े प्यार से, ये देखो इस साड़ी को ही हम पहन के जाएंगे अपने ससुराल। हमारे ऊपर कैसी लग रही है, अच्छी लगेगी कि नहीं, कि मिल जा रहा है चेहरे में। तो मैंने इसमें फाल लगा लिया है
ब्लाउज दे दिया है सिलने के लिए, ये मेरी मम्मी ने दिया है इस साड़ी को, और एक साड़ी ये है जो मम्मी ने दिया है, ये देख सकते हैं, दिखाऊंगी। तो दोस्तों मम्मी ने हमें 3 साड़ियाँ दी है, ये दो ही मैं आपको दिखा रही हूँ, तीसरे कल मेरा भाई लेके आएगा उसको मैं आप लोग को दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये 3 साड़ी हो गई, और दोस्तों इसमें भी एक जाह्नवी का ड्रेस है, एक अभय का है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभय का ड्रेस, ये देख सकते हैं जैकेट वाला है भैया, यहाँ है, और ये केस जानवी का है, ये देखो, हाँ ये अभय का है, अभय बोल रहा है मेरा है। ते ऊपर का टी शर्ट है जैकेट वाला, और नीचे का हाफ पैंट है, तो एक ये हो गया दोस्तों। तो आई होप हमारी मम्मी का दिया हुआ तोहफा आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना, आपकी आराध्या फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, क्योंकि हमारे अभय जी आ गए हैं मुझे तंग करने के लिए, ठीक है, बाय।